नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। अभी आपने पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो काफी समय से इंग्लैंड में रह रहे थे, वो पाकिस्तान में वापसी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद वो कुछ समय के लिए जेल गए थे, और जेल जाने के बाद उन्होंने मेडिकल के बेसिस पे अपना एक तरीके से कोर्ट से आदेश लेने के बाद वो कुछ इलाज करवाने के लिए कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए। फिर वहाँ पे इंग्लैंड इलाज कराने गए और वहीं पे वो 2-3-4 साल से बस गए। अब उसके बाद आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन से पहले उनके भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान लौटने वाले हैं, यानी कि अभी भी वो सजा याफ्ता है, यानी कि उनको सजा हो रखी है। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान लौटते हैं तो क्या सीधा उनको जेल भेजा जाएगा। इस पर पाकिस्तान के जो कार्य एंट्रिम जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना जवाब दिया। उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने, आज आपको उन्हीं के बयान के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ को जेल क्यों हुई थी, सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ अगले महीने अपने देश लौटने वाले हैं। इस बीच ये सवाल उठने लगा, क्या स्वदेश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकड़ ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम को गिरफ्तार करने या न करने के बारे में फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसी, यानी कि जो कानून की एजेंसियां हैं, वो तय करेंगी। पीटीआई के मुताबिक बुधवार को समा टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान काकड़ ने अब टिप्पणी की। उनसे शरीफ के पाकिस्तान लौटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बारे में पूछा गया था। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया गया था। उसी साल जवाबदेही अदालत ने उन्हें तोशाखाना वाहन मामले में भी भगोड़ा घोषित किया था। इंटरव्यू के दौरान जब काकड़ से पूछा गया क्या पाकिस्तान वापस आने पर नवाज को गिरफ्तार किया जाएगा, तो काकड़ ने वही बताया कि वहां की जो एजेंसियां वो इसके बारे में फैसला करेंगी। और उनसे पूछा गया अगर उन्हें लगता है कि उन्हें नवाज शरीफ, यानी कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो वो करेंगे, और अगर नहीं लगता तो वो नहीं करेंगे। बता दें कि नवाज 2019 से लंदन में रह रहे हैं, और उनकी पाकिस्तान वापसी से पहले कई बार दावे किए गए, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि नवाज शरीफ के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को उनके पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान भी कर दिया। शहबाज ने लंदन में यह घोषणा की कि उनके बड़े भाई 21 अक्टूबर को ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटेंगे। आगामी चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के राजनीतिक अभियान का नेतृत्व भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी संस्थापक की वापसी पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने लंदन में नवाज की अध्यक्षता में पीएमएलएन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद यह ऐलान किया। नवाज को 2018 में अल जजीजिया मिल्स और एनवे फील्ड भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया गया था। वर्ष 2019 में चिकित्सा यानी कि मेडिकल के बेसिस पर लंदन जाने की अनुमति दिए जाने के से पहले वह 7 साल तक लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में रहे, यानी कि इंग्लैंड जाने से पहले वो 7 साल तक पाकिस्तान की जेल में रह चुके, और मेडिकल के बेसिस पे उनको इंग्लैंड जाने की इजाज़त मिली थी। अब यही है कि अब वो वापसी आते हैं तो क्या उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा, ये क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में सिर्फ एक चीज़ ये साफ है, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कानून का मजाक बनते आया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये आगे भी हो, क्योंकि कुछ ही नहीं कह सकते। अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, अब पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखेंगे वहाँ पे दंगे होते रहते, कुछ ना कुछ होते रहेंगे, कानून की धज्जियाँ उड़ेंगी। पर अगर नवाज शरीफ की से बात की जाए तो पाकिस्तान में लौटने वाले हैं अक्टूबर में। अब देखना होगा कि इसका कितना असर पाकिस्तान के चुनाव पे पड़ता है, पाकिस्तान के देश पे पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट।